नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुंबई से आई सनसनीखेज खबर से। आज सुबह एयरटॉप कंपनी के सह मालिक अभिमन्यु की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि हर रोज की तरह जब आज सुबह अभिमन्यु अपने ऑफिस के लिए निकले, तभी बीच रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि कंपनी का कारभार अब उनके दोस्त और कंपनी के सह मालिक विजय के हाथों में है, और अब देखना है कि 5 साल से नंबर 1 पर रहने वाली कंपनी अब आगे अपना पोजीशन रख पाती है या नहीं। मे आई कम इन सर? कम इन सर। आपने बुलाया मुझे? मिस्टर बजाज। सर, तुम्हें यह शहर दिख रहा है? यस सर। कितने लोग रहते हैं इस शहर में? तकरीबन 10 मिलियन लोग। ओके, और कितने लोग हमारी कंपनी का नेटवर्क यूज कर रहे हैं? तकरीबन 5 मिलियन लोग। यानी केवल 50% लोग यूजर हैं, और बाकी के जो लोग हमारे नेटवर्क को यूज़ नहीं करते, उसकी क्या वजह है? सर, हमारा नेटवर्क अच्छा होने की वजह से टाउन साइड लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, बट डाटा काफ़ी कॉस्टली होने की वजह से रूरल साइड लोग उसे यूज़ नहीं कर पा रहे। मुझे ये टॉक के 100% यूज चाहिए। अब भी के भी सारे डिपार्टमेंट के हेड से मेरी मीटिंग फिक्स कराओ। ओके सर। मैंने आप सबको यहाँ क्यों बुलाया है, पहले इसकी वजह बता दूँ। आप सबको पता है पिछले 5 साल से हमारी कंपनी नंबर 1 पर रही है, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी नंबर 1 पर रहे। मिस्टर बजाज का कहना है कि डाटा काफ़ी कॉस्टली होने की वजह से रूलर साइड के लोग उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसका सोल्यूशन आप सभी के पास होगा। आप में से किसी को कुछ कहना है? सर, मे आई? हु आर यू? सर, यश। सर, ये मिस्टर कपूर की जगह आए हुए हैं। अभिमन्यु सर ने इन्हें कुछ महीने पहले अपॉइंट किया था। ओके। सो मिस्टर यस, व्हाट डू यू वांट टू से? सर, अगर प्रॉब्लम सिर्फ कॉस्टली डेटा का है, तो जिस तरह अलग अलग स्टेट का प्लान अलग अलग होता है, उसी तरीके से और एक प्लान ऐड करते हैं, जिसमें रूरल साइड के लोगों का डेटा कॉस्ट सस्ता प्रोवाइड करेंगे और टाउन साइड के लोगों का डेटा कॉस्ट वही रहने देते हैं। लेकिन सर, ये तो काफ़ी मुश्किल है। मिस्टर बजाज, आजकल आपको चीज़ें काफ़ी मुश्किल लगने लगी हैं, लगता है आपको आराम की जरूरत है। सर, एक्चुअली लेट मी फिनिश। सॉरी सर। मुझे मेरी कंपनी में ऐसे लोग नहीं चाहिए जिन्हें काम मुश्किल लगे, और जिस किसी की भी ऐसी सोच हो, या तो अपनी सोच बदल ले या तो कंपनी। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं अभिमन्यु का भाई हूं। तुमने अभिमन्यु को क्यों मरवाया? क्यों ना मरवाऊं? हम दोनों ने साथ मिलकर कंपनी स्टार्ट की। मैंने उसे अपने भाई जैसा समझा, और उसी ने मुझे धोखा दिया। कंपनी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके मुझे ही कंपनी से निकालने की धमकी देने लगा। तुम बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया तो मुझे यही गोली मार दो, और तुम्हें लगता है कि मैंने सही किया तो मेरी बात सुनो। मैं मानता हूँ कि अभिमन्यु को मैंने मरवाया, लेकिन मुझे उसकी प्रॉपर्टी की कोई लालच नहीं थी, और मुझे ये भी पता था कि उसका कोई भाई नहीं है, और मैंने तुम्हें ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन तुम्हें कभी देखा नहीं था इसलिए ढूंढ नहीं पाया। कंपनी की आधी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम कर दी, और मैंने ये भी सोच रखा था कि अगर तुम मिले तो तुम्हें दे दूंगा, वरना उसे दान कर दूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है। मुझे माफ कर दो विजय, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया।
मिस्टर यश, जब तुम्हें पता था कि मिस्टर अभिमन्यु का मर्डर मिस्टर विजय ने कराया तो तुम उनसे मिल क्यों गए? कहानी तो आप शुरू हुई है मिस्टर बजाज। सर, आपके एक्सीडेंट के पीछे मिस्टर विजय का हाथ है और अफसोस की बात आपका भाई भी उनसे मिल चुका है।